क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए साह फर्नीचर में। साह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपए और बेड 10,000 रुपए से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे साह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है साह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट और वार्ड उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नानी नमन मरवड़ होटल सिल्वर के पास आए अमन विद्या निकेतन स्कूल में ऑफलाइन शिक्षा का प्रारंभ होते छात्रों के साथ टीचरों में छाई खुशी। तो इस अवसर पर बच्चों के साथ स्कूल के ट्रस्टी के नाती का मनाया गया बच्चों के साथ जन्मदिवस। नानी दमन एयरपोर्ट मार्ग होटल सिल्वर के पास मरवड़ में आई हुई अमन विद्या निकेतन स्कूल में शुक्रवार को स्कूल के ट्रस्टी सरिता शर्मा के नाते का जन्मदिन हो। इस अवसर पर बच्चे का दूसरा जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया गया। बच्चों के साथ मनाए गए जन्मदिन की खुशी कुछ अनोखी उभर आई थी। इस पर सरिता शर्मा ने बताया कि वो काफी खुश है कि उनका बच्चा बच्चों के साथ मिलकर खुश हुआ है और स्कूली माहौल से भी परिचित हुआ। यहाँ पर इस स्कूल में अच्छा टीचिंग स्टाफ और अच्छा माहौल है। कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा स्टेट लेवल पर दी जाती है। तो इस पर सरिता शर्मा ने संदेश दिया कि फिलहाल कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना काल की परिस्थिति में काफी सारी परेशानियां आई, पर अब आवश्यक गाइडलाइन के साथ स्कूलों की शुरुआत हुई हो। बच्चों को भी मास्क, सैनिटाइजर साथ रखने के लिए और नियमों के साथ फिलहाल स्कूल की ऑफलाइन शिक्षा शुरू हुई हो, जो खुशी उन्होंने व्यक्त की थी। बहुत खुश हूँ आज अपने नाती का बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने बच्चों के साथ स्कूल में। 2 साल का आज ये हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि पिछले साल भी हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, इस साल भी, क्योंकि ये खुद बच्चा है और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता है तो इसे भी अच्छा लगता है। मैं स्कूल की ट्रस्टी एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहती थी, मगर जो इसके नाना जी हैं वो आने वाले हैं, वो आए नहीं हैं अभी तक। सो होपफुली वो 8-10 दिन में आएंगे, तो फिर हम विल थ्रो अ गुड पार्टी।
और बच्चों ने इतना सहयोग किया, अपने हाथ से छोटे छोटे कार्ड्स बना के लाए हैं। देखिए ये सुख बहुत बड़ा सुख है। तो ये एक्चुअल मायने में एक बर्थडे है जो एक बच्चा बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये अमन विद्या निकेतन स्कूल है जहाँ पर हमने अभी एडमिशन्स ओपन किए हैं और हमारे पास बहुत अलग अलग दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा प्रमाइसेस है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ, अच्छी टीचिंग स्टाफ है मेरे पास। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, तो हमें अच्छे एडमिशन्स भी मिल रहे हैं। ये स्कूल हमारा जो है ये नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक है, स्टेट बोर्ड। कोरोना काल में कुछ टाइम बंद रहा था मगर 9th-10th को परमिशन थी तो वो हम चला रहे थे। 14th-5th से अभी फिर परमिशन मिल रही है स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल को ओपन करने की, तो 14 से हमारा फिर से स्कूल चालू हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब फुल फ्लेज स्कूल शुरू हो जाए। ये क्या सारे स्कूल शुरू हो जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, गरीब बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप सुविधाएँ नहीं हैं, इंटरनेट सुविधाएँ नहीं हैं, एक ही मोबाइल है, पेरेंट के पास दो दो बच्चे होते हैं तो वो प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। और बच्चों को देखिए जितना स्कूल आके विकास उनका होता है उतना ऑफलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में नहीं होता है। इसके लिए मैं हमेशा से चाहती थी कि जल्दी से महामारी ख़त्म हो ताकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएँ, ऑनलाइन बंद हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर संदेशा यही है कि बच्चे आप लोग आते हैं, प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हम अपना प्रिकॉशन लेंगे तो हम अपने साथ वालों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मास्क अपना अपने पर्स बैग में ज़रूर रखें, दो मास्क रखने का, एक गिर जाए गुम हो जाए तो एक और आपके पास पैर में है। छोटा सा सैनिटाइजिंग, स्कूल में तो हम बहुत बड़ा सैनिटाइज़र रखते ही हैं मगर अपने पर्सनल बैग में भी एक छोटा छोटा सैनिटाइज़र, जब आप टिफ़िन खाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में तो थोड़ा सा अलग होके खाने का, शेयरिंग थोड़े दिन के लिए बंद रखो।